तो गाइस खाने पीने की वीडियोस तो आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे किस तरह प्लास्टिक की वेस्टेज को रिसाइकल करके उसके पाए और दाना बनाया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसे एंड तक देखिएगा। अभी हम आ चुके हैं प्लास्टिक के दाना बनाने वाले कारखाने में, जहाँ ये सब प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा। बड़े बड़े बोरों के अंदर ये सब माल इकट्ठा करते हैं, जिसमें मोबाइल ऑयल की बॉटल, शैम्पू की और लोटा वगैरह, ये सब मिक्स मटीरियल होता है। ये सब माल का पहाड़ बनाने के बाद बारी आती है इसकी छंटी की, जिसमें डिफरेंट शेप और कलर्स को सेपरेट कर लिया जाता है। ये सब माल को सेपरेट करने के बाद बारी आती है इन्हें क्रशर पे लेके जाने की, जो कि मुझे बहुत ही रिस्की और टफ जॉब लगी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा क्रशर लगा हुआ है, इसके अंदर ये सब प्लास्टिक का माल जाएगा और उसे छोटे छोटे पीसीस में ग्राइंड कर लिया जाएगा। ये सब प्लास्टिक को ग्राइंड करने के बाद बारी आती है इसकी वॉशिंग की, और इनका मेन प्रोसेस भी वॉशिंग है, जिसकी वजह से प्लास्टिक को अच्छे तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा ग्राइंड किया हुआ माल इनके देसी टब में लाया जाएगा। इसके अंदर केमिकल्स ऐड करके जो मोबाइल ऑयल, शैम्पू, ये सारा मटेरियल इसके ऊपर से वॉश आउट किया जाएगा। जिस तरह कपड़ों को धोया जाता है, इसी तरह इनकी देसी बड़ी सी मशीन है, जिसके अंदर इसकी अच्छे तरीके से धुलाई कर ली जाएगी। अब ये सब माल को साफ करने के बाद बारी आएगी केमिकल वाले पानी को ड्रेन करने की, और एक बार फिर से इसकी साफ पानी से धुलाई कर ली जाएगी। अब ये सब माल को छत पे फैला के रख दिया जाएगा और इसे एक दिन की धूप लगवाई जाएगी। अब एक दिन की धूप के बावजूद भी इसमें काफी नमी होती है, जिसे खत्म करने के लिए लाया जाता है रोलर्स पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीमेंट को मिक्स करने वाली मशीन होती है, उसमें ये सारा माल ऐड किया जाता है, और देख सकते हैं ये आग अंदर चला दी जाती है, और इसकी स्पीड इतनी तेज कर दी जाती है कि ये प्लास्टिक को आग ना लग सके, सिर्फ इसके अंदर से नमी खत्म हो सके। अब ये सब प्लास्टिक को ड्राई करने के बाद इसे एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे इसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाएगा। अब इसी मशीन में मेल्टिंग के साथ साथ प्लास्टिक को फिल्टर्स के थ्रू गुजारा जाता है, ताकि इसमें से मजीद जो कचरा है वो बाहर आ सके और प्लास्टिक को एक प्योर फॉर्म में लाया जाए। अब ये मेल्टेड प्लास्टिक को स्प्लिट करके बारीक तारों की शेप में बनाया जाएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे पानी के थ्रू गुजारा जाए, ताकि ये ठंडी भी हो सके और ये टूटे ना। अब आगे कटर की मदद से इन तारों को छोटे छोटे दानों की शेप में काट लिया जाएगा, और इस प्लास्टिक की क्वालिटी को HD बोला जाता है। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक को सिर्फ दानों में रिसाइकल किया जाता है और उन्हें तोड़ों में पैक कर दिया जाता है दूसरी फैक्ट्रीज के लिए। ये सब प्लास्टिक को दानों की शेप में इसलिए रिसाइकल किया जाता है, ताकि इसे दोबारा से मेल्ट करके किसी भी शेप का प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना लिया जाए। और अब हम उस फैक्ट्री में आ चुके हैं, जहाँ पे ये दाने को दोबारा से मेल्ट करने के बाद पाइप की शेप में बनाया जाएगा, और ये पाइप पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे मस्ट लाइक और शेयर लाजमी कर देना।